नवंबर 1930 कनाडा के एक न्यूज़पेपर द मर्डिन डेली के फ्रंट पेज पर एक न्यूज पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड, जिसने पूरे कनाडा में डर का माहौल पैदा कर दिया था क्योंकि पूरे नॉर्थ कनाडा में अचानक से रातों रात एक लेक के पास बसी बस्ती एक रोशनी के साथ गायब हो चुकी थी। दरअसल नॉर्थ कनाडा में अंजिकुनी झील के पास बसी एक छोटी सी बस्ती थी जिन्हें एक सीमो ट्राइब्स कहा जाता था, जिसमें 100 से 150 लोग रहा करते थे जो इस झील में मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। ये कनाडा का एक ऐसा विशाल एरिया है जहां कई लाख स्क्वायर किलोमीटर में करीबन सिर्फ 1000 से भी कम लोग रहा करते थे। इसका कारण सिर्फ तेज ठंड और खराब बर्फीली तूफानी मौसम थी। यहां मछलियों के अलावा कई शिकारी आसपास के जंगलों में शिकार करने के लिए भी आया करते थे। उन्हीं में से एक शिकारी जो लावेल शिकार पर निकलता है और वो शिकार करने में इतना मशहूर हो जाता है कि ना तो उसे दिन दिखाई देती है और ना ही रात। कुछ देर आराम करने के इरादे से वो शिकार की तलाश में उस गांव तक पहुंच जाता है क्योंकि उस गांव के लोग मेहमानों को बड़े अच्छे से आदर सम्मान करते थे। जो लावेल जब वहां पहुंचता है तो वहां एक भी इंसान उसे बाहर दिखाई नहीं देता। वो सोचता है सभी मछलियां पकड़ने गए होंगे, लेकिन जो फिर सोचता है कि सभी नदियां तो बर्फ में तब्दील हो गई है और यहाँ आने से पहले इस गांव के रखवाले कुत्ते भौंका करते थे। आखिर सब गए तो गए कहाँ। जो लावेल को शक होता है और वो एक घर के अंदर चला जाता है। जो देखता है घर में लकड़ियां जल रही है, भोजन चूल्हे पे चढ़ा है, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं था। खाना आधा ही पका हुआ था और सभी सामान बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रखी हुई थी, जो को पहले से ही अजीब लग रहा था। ये सब देखकर वो और डर जाता है। जो फौरन टेलीग्राफ ऑफिस पहुँचता है और वहाँ से तुरंत रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कैंप की ओर रवाना होता है। जो ने आंखों देखा पुलिस को सारा सच बता दिया। पुलिस को लगा वहाँ हमला हुआ होगा, इसलिए फौरन पुलिस की एक टुकड़ी वहाँ पहुँच जाती है। जो लावेल ने जैसा बताया था वहाँ का नजारा बिल्कुल ही समान था। पुलिस के मन में कई सवाल उठे, लेकिन सिर्फ सवाल ही थे, जवाब नहीं, क्योंकि हमला होता तो कुछ चीजें बर्बाद जरूर होती। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी थी। अगर बाहर से कोई इंसान हमला करता या फिर कई टुकड़ियां हमला करते तो उनके पैरों के निशान होते, लेकिन वहां सिर्फ जो लावेल के आने के निशान थे। और अगर गांव वाले झील में लगे नौके से जाते तो आखिर जाते कैसे। नौका भी वहीं था और पूरी झील बर्फ में तब्दील हो चुकी थी। कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस ने इस केस को अनसोल्व्ड केस कहकर बंद कर दिया। इस रहस्यमय हादसे के ठीक 50 साल बाद नेगल और रोजर बोर्ड दो राइटर्स ने किताब लिखी जिसमें उन्होंने इसे एलियन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन दोनों ने उड़न तस्तरी और उस जगह पर चमकती रोशनी के बारे में लिखा जो वहाँ के कई लोगों ने बताया था। धन्यवाद, अब जाने की अनुमति चाहूँगा।